हाय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हमारा चैप्टर है 11 फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स किसको आता है? त्योहार। त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं तो भारत को त्योहार का देश भी कहा जाता है, क्योंकि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा त्योहार कहाँ पर? इंडिया में किए जाते हैं। पर मंथ, हर मंथ कोई ना कोई त्यौहार आते ही रहता है, तो फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिलीजियस, नेशनल और हार्वेस्ट, तीन तरह के त्यौहार होते हैं। ठीक है, रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। ठीक है, धार्मिक, जिसमें दीपावली, होली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस। उसके बाद नेशनल, नेशनल में आता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्ट, हार्वेस्ट में आता है हमारा बैसाखी, बिहू, पोंगल, ओणम। बैसाखी, बिहू, पोंगल और ओणम, ये बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू असम में किया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और ओणम केरल में। ठीक है, ये फसल कटने के तुरंत बाद मनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे रिलीजियस, रिलीजियस है धार्मिक होते हैं, तो दीपावली, दीपावली कब मनाया जाता है? दीपावली, दीपावली क्यों मनाया जाता है? दीपावली इसलिए मनाया जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर आए थे अयोध्या, उसकी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। होली, होली को हम फेस्टिवल ऑफ कलर में बोलते हैं। ठीक है, इस दिन हम बहुत सारे कलरों से खेलते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, उनके साथ खेलते हैं। ठीक है, तो सेलिब्रेट करते हैं होली। उसके बाद ईद, ईद मुस्लिम कम्युनिटी यानी मुस्लिम धर्म के लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस दिन यहाँ पर एक स्वीट डिश बनती है जिसको सेवैया बोलते हैं। सेवैया, ईद के दिन सेवैया बनती है और नए नए कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा गुरु पर्व, गुरु पर्व भगवान गुरु नानक की जयंती, जन्म के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। इस दिन पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर फ्री में लंगर भी लगता है। वैसे कंटिन्यू चलता है पर लगता है लंगर, लंगर मीन्स वहाँ पे खाने की व्यवस्था रहती है जिसमें हजारों लाखों लोग आकर खाना खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्रिसमस भी इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान जीजस, जो जीजस क्रिस्ट थे ना, उनके जन्म के उपलक्ष्य में। ठीक है, सेकेंड हमारा बी वाला है नेशनल फेस्टिवल। नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय। ठीक है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। यह हम मनाते हैं 26 जनवरी। ठीक है, उसके बाद हमारा है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मीन्स होता है कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आजादी का दिन। ठीक है, तो यह हम कब मनाते हैं? तो 15 अगस्त का मनाते हैं, 15 अगस्त, 15 अगस्त। उसके बाद गांधी जयंती, गांधी जयंती जो गांधी जी थे उनकी जन्म के उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। ठीक है, अब हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स होता है जो फसल कटती है ना, पहली फसल सारी कट जाए उसके बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है। जैसे बैसाखी तो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, बिहू कहाँ पर? तो आसाम में, उसके बाद पोंगल तमिलनाडु में और ओणम तो केरल में। ये सारी सारे फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल फसल कटने के, जो उस फसल पक जाती है उसको काट लेते हैं, उसके बाद लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। ठीक है, ये हमारे फेस्टिवल है, उनको से रिलीजियस, नेशनल और हार्वेस्ट, रिलीजियस, नेशनल एंड हार्वेस्ट। ठीक है, रिलीजियस में कौन कौन से आएंगे? दीपावली, होली, ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस। नेशनल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। हार्वेस्ट में बैसाखी, बिहू, पोंगल और ओणम। ठीक है, तो ये बैसाखी कहाँ? पंजाब में। ओणम, सॉरी बिहू, बिहू कहाँ? आसाम में। पोंगल तमिलनाडु, ओणम केरला। ठीक है, ये हमारे फेस्टिवल्स थे। ठीक है, कहाँ कहाँ और कौन से त्यौहार, क्योंकि जो अपना भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे देश में त्यौहार, त्यौहारी त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए हमारे देश को त्यौहारों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ओके।